भारत को मैच के आखिरी गेंद पर जीतने के लिए एक रन चाहिए था और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह के पास थी। रिंकू सिंह ने इस गेंद पर छक्का जड़ा और टीम इंडिया को जीत दिलाई। हालांकि ये रन रिंकू और भारत के खाते में नहीं जुड़े क्योंकि ये नो बॉल था और अंपायर ने इसे जब चेक किया तो ये नो बॉल निकले। ऐसे में भारत ने तकनीकी आधार पर 19.5 ओवर में ही जीत लिया, जरूरी 200 रन बना लिए, जिसके चलते रिंकू सिंह 14 गेंदों में 22 रन बना। नियमों के अनुसार बल्लेबाज द्वारा किसी नो बॉल पर रन बनाने से पहले टीम के खाते में नो बॉल का रन जुड़ जाता है। ऐसे में भारत 100 रन से ही मैच जीत गया। अगर ये दूसरी स्थिति होती तो टीम के खाते में कुल 7 रन आते, क्योंकि जीत के लिए सिर्फ जरूरी 1 रन था, तो ऐसे में छक्का काउंट ही नहीं हुआ।